ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी, और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा, तो मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया, और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम है। ये समय विकसित भारत बनाने का है, और जब भारत विकसित होगा तो बंगाल उसका बहुत बड़ा लाभार्थी होगा। बंगाल के मेरे भाई बहन उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। ये समय महाराजा नरनारायण, वीर चिल्ला रॉय और ठाकुर पंचानन वर्मा जैसे महान सपूतों के सपनों को पूरा करने का समय है, और इसलिए 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को बराबर याद रखिएगा। और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है, ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है, और इसलिए दिल्ली में कोई कमजोर सरकार नहीं बल्कि स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। आज मैं सबसे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैं इसी मैदान में सभा करने आया था तो उन्होंने एक बड़ा मंच बीच में बना करके मैदान को बहुत छोटा कर दिया था ताकि लोग मोदी को सुन न सके। और मैंने उस दिन कहा था कि दीदी आपने अच्छा नहीं किया, अब जनता आपको जवाब देगी, और आपने जवाब दे दिया। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैदान खुला रखा, तो मुझे
आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपका दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया और इसलिए मैं बंगाल सरकार को कोई रुकावट न करने देने के लिए जरूर आभार व्यक्त करता हूं।